नमस्कार, स्वागत है हमारी खास पेशकश वेदर अपडेट के अंदर। जानेंगे कि वेदर अपडेट में आज का मौसम कैसा देखने को मिल रहा है और आगे मौसम कैसा रह सकता है। तो मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड काफी ज्यादा हो गई है। सुबह के समय तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में हल्की ठिठुरन के साथ धूप की भी तपिश कम होने लगी है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में जोरदार बारिश भी हो रही है। बारिश के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित तमिलनाडु दिखाई पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश में कमी आने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव गुरुवार को उत्तरी तमिलनाडु को पार कर गया। हालांकि आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। मौसम विभाग की ओर से 12 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में अलग अलग इलाकों में भारी बारिश के साथ अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 13 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। यही नहीं, 13 नवंबर को ही दक्षिण अंडमान सागर और उसके आसपास एक और नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने के बाद के 48 घंटों के दौरान डीप डिप्रेशन में तब्दील होने की संभावना है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में एक बार फिर से मौसम में बदलाव नजर आ सकता है। वहीं चेन्नई, कांचीपुरम और विलपुरम सहित उत्तरी तमिलनाडु के जिलों में बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। तमिलनाडु के कई इलाकों में पूरी रात तेज बारिश दर्ज की गई है। गौरतलब है कि तमिलनाडु में भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 16 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मौजूदा वक्त में एनडीआरएफ ने तमिलनाडु में 14 बटालियनों को तैनात किया हुआ है। वहीं मौसम का पूर्वानुमान जारी करने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश के आसपास के हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं केरल के कुछ हिस्सों जैसे दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तटीय ओडिशा, दक्षिण तेलंगाना और लक्षद्वीप के कुछ इलाकों में बारिश संभव है। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR के इलाकों में 10 से 12 नवंबर तक हवा की गुणवत्ता के बेहद खराब श्रेणी में रहने का अनुमान जताया है। हालांकि इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में AQI में धीरे धीरे सुधार हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली NCR के इलाकों में अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। दिन में हल्की धुंध या कोहरा छाया रह सकता है। CPCB के अनुसार गुरुवार को सुबह 8 बजे AQI 402 दर्ज की गई थी। तो ये था आज के मौसम का हाल, यानी कि दिल्ली के इलाकों में तो धुंध ही छाई रहेगी। अभी निजात मिलने की कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, जिसकी वजह से धुंध की वजह से लोग जब बाहर निकल रहे हैं तो उनको आंखों में हल्की सी जलन भी महसूस हो रही है। वहीं तमिलनाडु में बारिश का जो कहर है अभी तक जारी है, लेकिन मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अब कुछ राहत मिलती नज़र आ जाए। आपको बता दें कि तमिलनाडु में अभी तक खराब मौसम के चलते 16 लोग की जान जा चुकी है। फिलहाल वेदर अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।